कल से बड़े चुनाव शुरू होंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव। उम्मीद और निराशा को समेटे भारत और इंडिया की दूरी को नापता उत्तर प्रदेश। भारत को 14 में से 8 प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश। 22 करोड़ की आबादी वाला दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील से बड़ा उत्तर प्रदेश। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत से साबित होगा कि वहां 2014 का माहौल अभी तक बना हुआ है, जब पार्टी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज की। पार्टी की जीत से उसे राज्यसभा में कानून पास करवाने से लेकर अगला राष्ट्रपति चुनने की आजादी मिलेगी। समाजवादी पार्टी में चले हंगामे के बाद उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और अब अगर उनकी जीत होती है तो अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक नए महागठबंधन का रास्ता खुलेगा। लोकसभा चुनाव में शून्य पर उतरी बीजेपी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। कुल मिलाकर यह बहुत अहम चुनाव है और सभी दल इन चुनावों को अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से लड़ रहे हैं। तो 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान होना है। 15 जिलों की 73 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 26,823 बूथों पर 2,60,00,000 मतदाता 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 2012 में एसपी बीएसपी को 24 सीटें मिली थी। इन 73 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के पास गई थी, आरएलडी के पास 9 सीटें आई थी, कांग्रेस महज 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। और ये जो इलाका है इसमें 26% मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर का खासा दबदबा यहां पर। 17% जाट वोटर है और उसमें भी 27 सीटें ऐसी जिस पर जाट वोटर का खासा दबदबा है। बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, ये वो जिले देख रहे हैं आप जहां जाट वोटर्स का खासा दबदबा इस पहले चरण में। और 40% साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाता हैं।